हमारा प्रोफेशन है, कोई आदमी अगर हमसे कंसल्ट कर रहा है, हमारी एडवाइस ले रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें सही बात बतानी चाहिए कि देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ के गलत रिजल्ट हो सकते हैं। उसकी बात भी नहीं मानते तो अलग बात है। या फिर हम ये देखते हैं कि भाई कई बार मजबूरी भी होती है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो, हेल्पलेस होते हैं, या तो स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को करने से रोक देती हैं। तो फिर हमें अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इनकी मजबूरी हम इतने कितने ही बता दें कर नहीं पाएंगे, तो फिर हम उसका एक सॉल्यूशन निकालते हुए चलते हैं कि कम से कम उसका जो बैड इफेक्ट है वो कम हो जाए, ये भी करते हुए चलते हैं। इस तरीके से भी होता है अगर वो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है तो, ये इसका तरीका ही है। बट हमें नॉलेज होगी तो देखो क्या है कि आज आप आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, आपने किसी के घर डिज़ाइन करा, तो उस व्यक्ति को घर ऑफिस में या फैक्ट्री में कहीं भी जाके अगर उसको अच्छा रहता है, उसका जीवन अच्छा होता है, तो आपको बड़ी दुआएं देता है ना। वो कहता है कि देखो जब से मैं इस घर में आया हूँ, मेरी दुकान खोली है, फैक्ट्री खोली है, मेरे जीवन बहुत सुकून से है। भाई आप कोई आदमी बीमार है, आपने उसके कुछ ऐसी चीज़ बता के करा दी, मतलब उसकी बीमारी ख़त्म हो गई या बहुत कम हो गई, तो वो आपके लिए कितनी, आपको कितनी दुआएं देगा। तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको फिर उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करता है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी तरफ से किसी का भला ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छा करके चलोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भी तो ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अच्छा करके चलते हो तो। तो इस तरीके से हमारा सोच ऐसे होनी चाहिए। पता नहीं है फिर तो हमारे हम भी गलत नहीं है, जब मुझे मालूम ही नहीं है अच्छा क्या बुरा क्या, तो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन अगर पता है तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको गाइड करूँ सही से। ये सर कमर्शियल ऑफिसेस में जो डेस्क होता है मतलब एम्प्लॉयज का, उसकी फेसिंग्स कैसे होने चाहिए, मतलब डायरेक्ट? देखिए कोशिश ये करनी चाहिए जो हम कमर्शियल ऑफिसेस में अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज को ईस्ट में या नॉर्थ में बैठाना चाहिए फेसिंग कर। नॉर्थ मतलब ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग में? हाँ मतलब जो भी एम्प्लॉयज काम करें उनका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो या नॉर्थ हो। समथिंग में कैसा भी है ना कि जो बॉस का कैबिन होता है तो एंट्रेंस दरवाजे के सामने डेस्क नहीं होना चाहिए, छोटी हाँ। वो थोड़ा मतलब चलने में भी मतलब जैसे ऐसे मानिए जैसे दरवाजा है ठीक है, इस दरवाजे के एकदम ठीक सामने आपकी टेबल कभी नहीं होनी, टेबल चेयर। जैसे ये दरवाजा है यहाँ ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन दरवाजे से सीधा हिटिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो हिटिंग होती है ये हमेशा डिस्टर्बिंग होती है, वो कभी नहीं होना चाहिए। वो चाहे बॉस का हो या आप बेडरूम में भी अगर आप डिजाइन करा रहे हो, बेड में जैसे सपोज बेडरूम है, ये बेड है सॉरी ये दरवाजा है, तो तभी भी आप ध्यान रखिएगा एकदम बेड दरवाजे के सामने कभी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ मतलब डायरेक्शन इश्यूज हो तो अगर आ जाए तो स्लीपिंग पोजीशंस या उसके लिए कुछ, तो उसमें फिर ये ध्यान रखिएगा अगर मान लीजिए बाई चांस नहीं हो पाता तो दरवाजे के एकदम सामने आपके पैर कभी नहीं होना चाहिए। एंगल हाँ मतलब जैसे जैसे ये डोर है, ये आपका बेड पड़ा हुआ है, तो पता लगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पैर एकदम डायरेक्ट दरवाजे की तरफ है। अगर यहाँ पे बेड है तब इधर साइड पैर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं, सामने वॉल आ रही है, लेकिन जस्ट स्ट्रेटली इन फ्रंट ऑफ द डोर यू शुड नॉट हैव योर लेग्स। सर जो वॉल पेंटिंग्स जो लगते हैं ना फ्रेम में, वो किस टाइप के होने चाहिए, उसके टाइप्स रह गए? मेरे घर पे ऐसी पेंटिंग है, क्या होता है एक ना चीज होती है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब क्या होता है, विजन बोर्ड का मतलब ये होता है
टू मेनी फैंस द थिंग, जैसे आपका कोई सपना है,